आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम खुदा का पाक जिंदा ला तब्दील कलाम सुनने के लिए तैयार हों और हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं दोनों आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अकलमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मैं बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी पर वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। ये जो 25वीं आयत है इसका जो आखिरी हिस्सा है मेरे पीछे आप बुलंद आवाज से बोले ताकि आपको आज का जो मौजू है उस हवाले से ये याद रह जाए। लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत है। आमीन। पिछले इतवार का जो हमारा मौजू था उसे हम कंटिन्यू रखते हैं, वो ही जारी रखेंगे। हाउ यू ले फाउंडेशन ऑफ योर होम, आप अपने घर की बुनियाद किस तरह रखते हैं। आज इसी मौजू का पहला हमने सुना था, ये दूसरा हिस्सा है पार्ट टू याद रखने के लिए। हम जब इस जमीन पर हैं हमारे ख्वाब है ड्रीम है हमारी कि हम घर बनाएंगे, चाहे वो ईंटों का घर हो जिसे हाउस हम कहते हैं या घर हो जो खानदान पर मुश्त मिले हैं, और भी कई किस्म के घर हैं जिसे हम बिल्ड अप इस जमीन पर करना चाहते हैं, वो हम आस्ता आस्ता सीखते चले जाएंगे। लेकिन हम पिछले इतवार और आज भी गौर करेंगे और कर भी रहे हैं कि ये घर जो है खानदान और इस घर की बुनियाद जो है पहले नंबर पर ये घर की बुनियाद शौहर और बीवी पर है। खुदा ने शौहर और बीवी को शुरू से बनाया और ये पहला रिश्ता है।
और कलामे मुकद्दस में लिखा है, ये बहुत बड़ा भेद है और ये बहुत बड़ा अहम और बुनियादी खानदान का रिश्ता, बल्कि खानदान की फाउंडेशन। और इसी रिश्ते को कहा गया कि ये एक जिस्म होंगे। इसी रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा तालीम दी गई है कि अगर माँ बाप से भी अलग होना पड़े, बहन भाइयों से भी अलग होना पड़े, तो आप इकट्ठे रहो। बाकी जब बेटे बेटियां ब्याह जाती हैं तो वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक नेचुरली अलग अलग हो ही जाते हैं, अलग आगे खानदान। तो इस रिश्ते को कहा गया ये अलग ना हो, ये कभी जुदा भी ना हो। और इस पर हमने गौर किया कि ये ऐसा बुनियादी रिश्ता है, और जब शौहर और बीवी बनने से पहले, जिसे शादी हम कहते हैं, मैरिज हम कहते हैं, तो इसकी जब खानदान की बुनियाद डाली जाए, तो अगर बुनियाद मजबूत होगी तो तूफान आएंगे, आंधियां चलेंगी, टक्करें लगेंगी। और क्या आपने पढ़ा है, दोहराया है मेरे पीछे, वो घर ना गिरा, क्यों ना गिरा, चटान। और ये जो फाउंडेशन है शादी की, शौहर और बीवी के रिश्ते की, ये पिछले त्वार किसी को याद हो हमने सीखा था कि क्या मजबूत जो चटान है या फाउंडेशन है उसकी क्या खूबियां हैं, कैसी फाउंडेशन रखनी चाहिए है? सच्चाई पर, झूठ पर नहीं। अगर बुनियाद ही झूठ पर होगी तो फिर घर कायम। फिर हमने सीखा था पिछले इतवार की इबादत में कि मजबूत चट्टान की दूसरी खूबी यह है कि हम ईमान हों। जब बुनियाद रखी जाए शौहर और बीवी की, जब चुनाव किया जाए, और फिर हमने क्या सीखा था कि अगर बुनियाद इस रिश्ते की, फाउंडेशन इस खानदान की मोहब्बत पर होगी, मोहब्बत भी वो जो लालच के बगैर हो, अगापे मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, और फिर हम और गौर करें कि इसकी बुनियाद खुदा की हजूरी में दुआ के साथ होनी चाहिए। हम इसे कंटिन्यू थोड़ा भी रखते हैं, दुआ इसके लिए करनी चाहिए। वालदैन को भी, और जिनकी शादी होनी है वो खुद भी दुआ करें कि खुदावन ऐसा मेरा शरीक हयात हो जो तेरी तरफ से हो, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कभी कभी धोखा खा सकते हैं। लेकिन जब खुदा की मशवरत हम लेंगे, गाइडेंस लेंगे, तो खुदा हमारी रहनुमाई भी करेगा, है ना। हम कभी कभी सारी चीज़ों के लिए दुआ करते हैं, वालदैन भी दुआ करते हैं बच्चों के लिए, और करनी चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए, दुनियावी चीज़ों के लिए, तालीम के लिए, दुनिया में रहते हुए जो चीज़ों की जरूरत है, यस क्यों नहीं करनी, आप भी करें, हम भी करें, लेकिन इसके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि खुदावन मेरा शरीक हयात तेरी तरफ से हो, वो साहब का ना कि मेरी तरफ से हो, ना कि फेसबुक शरीक हयात हो। वैसे मैं तो उसे कहता फेक बुक, क्योंकि मैंने देखा है ना कि फेसबुक पे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, जब दो रूबरू देखे तो कहते ना ना भाई ये खतरनाक काम। ये समझे, जिनकी शादी होगी उनके बारे भी हम कलाम सीखेंगे। अगर बुनियाद डाली भी की, आंदा सुनाऊंगा आज नहीं, उसकी ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। लेकिन जिनकी अभी नहीं हुई, जो लाइव प्रोग्राम से देख रहे हैं,
वो देखे हम ईमान भी हो, वालदैन की मशवरत भी हो, खुदा की मशवरत भी हो, दुआ के साथ भी हो और बुनियाद सच्चाई पर हो, हर चीज ओपन, झूठ पर बुनियाद होगी तो आगे घर में बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी और घर कायम नहीं रहेगा। हम खुली खुली मैं हमने सीखा पिछले द्वार बात करें कि मैं ये हूँ, दोनों तरफ से वो कहें लड़का भी लड़की मैं ये हूँ, ओपन हूँ। और वालदैन भी कभी कभी बड़ा बड़ा झूठ शादी की बुनियाद रखने के लिए, और फिर जो बीच में रिश्ता करवाने वाले वो उनकी तो छोड़े कानों को हाथ लगाए, वो तो ऐसी ऐसी बातें बता देंगे, ओए होए होए इतको ही है। तो जब झूठ पर बुनियाद होगी तो वो घर फिर कायम नहीं रहता। लेकिन आज हम गौर करेंगे इसका दूसरा हिस्सा के चट्टान पर, बड़े ध्यान से सुनना, चट्टान पर बुनियाद रखी भी गई तो लिखा है कि फिर चट्टान पर बुनियाद रखने के बावजूद आंधियां चली और सैलाब आए और टकरे लगी लेकिन घर नहीं गिरा। शादी जो है उसकी बुनियाद चट्टान पर होने के बावजूद हमको ये तवक्को रखनी है कि ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंजेस होंगे घर को कायम रखने के लिए, बहुत सारी आंधियां चलेंगी बुनियाद चट्टान पर होने के बावजूद, बहुत से सैलाब आएंगे। क्योंकि हमारे बड़े लोग कहा करते थे कि बच्चों शादी ये ना समझो कि चार पांच फंक्शन हो गए हैं तो कहोगे कि सारी जिंदगी है फंक्शन नहीं रहनी। शादी ये ना समझो कि जो चंद दिन या चंद महीने बड़ी दावतें हो रही हैं, जिना बड़ी औपत हो रही है, जिना बड़े गिफ्ट दिए जा रहे हैं जिना, और जो लड़की के ससुराल है वो आपको हाथों पर लिए फिर रहे हैं, और लड़का भी आपको, मैंने एक शादी देखी हैरानगी की बात, उसने अपनी बीवी के लिए नीचे नोट रखे यास्मीन को पता, और वो नोटों पर बीवी चल के आई, लेकिन हौलनाक बात मैं कांप रहा हूँ, आज उनकी तलाक हो गई। ये शादी ये ना समझे कि नोटों पर हम चल के आ रहे हैं, ये ना समझे कि फूलों की सेज वो थोड़ी देरी होती है, फूलों की सेज थोड़ी देरी होती है, फूलों से सजाई जाती है, फूल वैसे मुरझाएगा दो चार दिन बस फूलों की सेज, उसके बाद फूलों के साथ कांटे भी होते हैं जो आपको चुभे। जो शादीशुदा परेशान है उनके लिए भी कि वो जाने कि सैलाब और आंधियां चल रही हैं और हमें क्या करना है, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई उन्हें तो पता है दो तीन महीने एंजॉय ही एंजॉय है और सारी उम्र इस तरह ही रहना एंजॉय,
डालते ही डालते ही गिफ्टी गिफ्ट हाथों पर उठाए हैं, उठाते रहेंगे। वो सोचते हैं यही है, चंद्रमा के बाद पता चल जाता। और फिर हमें क्या करना चाहिए ताकि वो घर जो है वो कायम रहे। देखते हैं आज हम कितनी बातें सीखते हैं, कुछ हवाला जात हम पढ़ भी लेंगे। बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। पहली बात ये नोट कर लें कि शौहर और बीवी को एक दूसरे का एहतराम करना बहुत जरूरी है, शौहर को भी और बीवी को। फिर आप तूफानों का और आंधियों का क्या कर सकते हैं, इसके लिए हवाला जात जल्दी से निकालें। और ताकि हम आज कुछ हवाला जात भी पढ़ लें, इफ्सियों का खत पांचवा बाब और 33वीं आयत में देखें क्या लिखा है। पढ़ें, जिसने निकाला है वो उठ के पढ़ दे। दलेरी के साथ और बुलंदवार कुछ आज हम हवाला जात पढ़ेंगे। इफ्सियों पांचवा बाब 33वीं आयत। तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानत मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। हाँ जी, इंग्लिश वर्जन में यह है, जहाँ ना डरती रहे वहाँ लिखा है कि वो अपने शौहर की रिस्पेक्ट करे, इंग्लिश में ऑनर करे। और फिर एक और हवाला पढ़ लें, पहला पत्रस 3 बाब और उसकी 7 आयत कोई भी पढ़े और बुलंद आवाज से पढ़े। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस में पहला पत्रस 3:7 आयत, यह आयत पढ़नी है कि भाई बड़ी बुनियाद है शौहर बीवी के हवाले से। जी हाँ, ऐ शौहरो तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्ल मंदी से क्या करो, बसर करो और आगे और औरत को नाजुक जर्फ जानकर क्या करो, तो कुटना शुरू कर दो क्योंकि नाजुक है भाई, है तशरीफ रखे उसकी क्या करो, नाजुक समझने का मतलब है उसकी इज्जत करो। जिससे नाजुक जो चीज होती है उसे ज्यादा संभाला जाता है या नहीं, पहले ये बताओ। अगर बर्तन शीशे का है उसे ज्यादा कीमती भी हो उसे संभाला ज्यादा जाता है या नहीं, तो जब पितल दा है तो बंदा सुट भी लेता है, कहते हैं कड़ा टूट। गौर करें, और शहर ज्यादा पाको हिंद में वो नाजुक समझते हैं बीवी को, कमजोर समझ के ना इज्जत क्या बल्कि वो बड़ा बुरा हाल करते हैं। यह बाइबल में लिखा है इज्जत करो। और मैंने देखा है पाको हिंद की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातब उर्दू जुबान में, और मेरे तजर्बे में ये बात भी आई और कलाम का भी ये कल्चर है कि बीवियां ज्यादातर अपने शोहरों की इज्जत करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, एहतराम करती हैं, हैं?
कई दफा बड़े एहतराम से बुलाती इन्ना एहतराम कर देने कदी कदी नाम नहीं लेंदे कहते ने अबू को ले लो ये नहीं पता ना अबू केड़ा पढ़े लिखे कहते डैडी डैडी आ गया डैडी आ गया ये नहीं पता डैडी किधर है लेकिन तेरा मन उनका मतलब बच्चों का ही और सादा लोग किसी ने पूछा अभी आपके शोर का नाम क्या उसने मैंने बताना उसने कहा एक ग्लास लस्सी का ले आओ बता देती हूँ नाम क्या है उन्हें क्या जरा उतर तार रहे हैं ना ऐ मेरे बंदे दाना है मतलब मक्खन हिंदू पाकिस्तान में अपने शोर का क्या करती है लेकिन वायरल क्या कह रही है अभी खुदा के बंदे ने शर्म ने पढ़ा है कि अपनी बीवियों को नाजुक जरफ जानो काजे वास्ते जानो हैं कि उनकी इज्जत करो वो नाजुक जरफ है ना के कमजोर और नाजुक समझ के नाजुक चीज जल्दी टूट जाती है और नाजुक होती है उनका दिल भी बड़ा नाजुक होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं बीवियां और ऐसे हमने कभी ख्याल ही नहीं रखा कि इतनी वो सेंसिटिव होती हैं इतने दिल की नाजुक होती हैं जल्दी ही टूट जाता है दिल उनका लेकिन शौर शौर कहना नाजुक तुझे को नहीं तानो पित्तल का बना के छटा बेचारी फिर रगड़े खा खा के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की और नाजुकी तो फिर पित्तल दी बन जाए लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या सिखाती है फिर वो ये सुन लें अगर हमने नाजुक शीशे के गिलास से उसे पित्तल का बना ही डाला है ना पाकिस्तानियों और हिंदुस्तान के लोगों ने तो वो आपका दिल से एहतराम नहीं करेंगे फिर वो डरेंगी लेकिन एहतराम अंदर नहीं होगा लेकिन अगर इस रिश्ते में दोनों अतराफ दोनों में यकसा इज्जत एहतराम और रिस्पेक्ट होगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन पर हमलावर होके उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितने मर्जी आंधियां चले तूफान आए तो हमें इन तूफानों का चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए शौहर को बीवी की बीवी को शौहर की क्या करनी चाहिए इज्जत करनी चाहिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बच्चों के सामने करनी चाहिए बच्चा सामने नहीं करनी असि घटी ना जाए चलो बच्चे तो बच्चे कहने ना भाई तेरे मां प्यो के सामने तो बिलकुल नहीं करनी और अपने मां प्यो के सामने वो तो ना ही ना ना लवो उन्होंने कहना है तो बीवी के थले लाओ रिस्पेक्ट करें इज्जत दें सबके सामने दे और दूसरी बात इसमें यह भी विजडम है कि जब आप शौहर थोड़े ध्यान से सुने और बीवी की इज्जत करेंगे तो आपके बच्चे भी दोनों की क्या करेंगे नहीं तो एक की इज्जत होती है दूसरे की ये तजर्बे तो मैं सही कह रहा हूं मैं पहले हाँ करवा रहा हूं या शौहर या बीवी अपने खानदान में इज्जत ना दे तो दूसरे उसकी इज्जत करेंगे नो
लेकिन जो दानिशमंद है, जो खुदा तरस शहर और बीवी है, जो ईमानदार और खुदा का खौफ रखने वाले शहर या बीवी है, वो दूसरे लोगों के सामने अपने खानदानों में, अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में एहतराम और इज्जत करेंगे, क्योंकि ये भी खुदा का हुक्म है। और फिर तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, उस घर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और दूसरी बात, अगर बुनियाद चट्टान पर भी है, दूसरी चीज की क्या जरूरत है? पढ़ लें, हम साल की किताब निकालें, यह दूसरी बात है। 24वां बाब और 30वीं आयत में देखें क्या लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ने में मदद करे। हम साल 24वां बाब और उसकी 30वीं आयत, जो जल्दी निकाले, पढ़ने में मदद करे। हिकमत से घर तामीर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। चट्टान पर घर है, फाउंडेशन अच्छी बन गई है, अब घर की तामीर, जो हम घर बनाना चाहते हैं, क्या बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हिकमत से फिर आगे तामीर उसे करें। बुनियाद चट्टान पर है, फाउंडेशन मजबूत है, आगे तामीर करना है घर, और तामीर किस तरह करें? हिकमत से करें। इल्म और हिकमत, नॉलेज और विजडम में फर्क है। नॉलेज का मतलब है इंफॉर्मेशन, और हिकमत के सादा अल्फाज में ये मानी है, पहले सुन ले, हिकमत क्या है? हिकमत यह है कि हमने नॉलेज है, इल्म है, लेकिन हिकमत यह है कि कब कैसे करना है, क्यों करना है, अगर करने वाली कोई चीज है, और अगर बोलना है कब बोलना है और क्या बोलना है। इल्म है कहां बोलना है और क्या बोलना है और किस वक्त बोलना है, यह हिकमत है, विजडम है। कुछ करना है, आपको नॉलेज है कि ये करना चाहिए, लेकिन किस वक्त करना है, कब करना है और किस तरह करना है, ये विजडम की डेफिनेशन है। और भी है, लेकिन इतना ही समझ लें तो घर खुशहाल और तामील होगा। आप बोलने ही से ले लें, सादा तरीके से आपको समझा देता हूं। आपको पता है कि मैंने क्या कहना है शौहर को, आपको पता है मैंने क्या कहना है बीवी को, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा विजडम कब कहना है, कहां कहना है, किस तरह कहना है, यह बात कैसे कहनी है, क्या सबके सामने कहनी है। कभी कभी कुछ बातें होती सच्ची हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसका वक्त कौन सा है और जगह
कौन सी है। बच्चों के बारे में भी यही है, घर तमीर हो रहा है, शौहर और बीवी का आपस में रिश्ता है, वो भी सोचना पड़ेगा कि ये चीज है, नॉलेज है, ये होनी चाहिए, ये कहनी चाहिए, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, मियां बीवी भी शामिल हैं, हमने कब कहनी है, कहां कहनी है। वैसे भी लिखा है कि चुप रहने का है क्या है और बोलने का भी क्या है, एक वक्त मुकर्रर है। लेकिन बाज़ुकात अगर वही बात हिकमत से ना कही जाए और जगह जो है उसका मौका ना हो कहने की, तो वो बात कही अगरचे सच्ची भी होगी, वो आग की तरह एक दूसरे को लगेगी कि नहीं। तो आपको समझाता हूँ, सादगी से समझाइए, फिर आपने कहना हाँ ऐसा होता है। कई चीज़ें होती हैं, मसाल ले ले, बच्चों को हम समझा रहे हैं गैरों के सामने ताकि आपको समझाए विस्डम क्या है, तो बच्चे गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन जब उन्हें अकेले में समझाएंगे वो गुस्सा करेंगे। बीवी है, उसे को बात समझानी है और उसके मेके के सामने समझाना शुरू कर, तो आपको बोला होगा कि उसकी इंसल्ट हुई है कि नहीं, या लोगों के सामने वो बात कही कि ये झुका, ये नहीं थी, ये अच्छा नहीं है। इस तरह दोनों तरफ है, शौहर को भी उसके मेके के सामने, अपने मेके के सामने कहेगा तो क्या होगा, घर में सुकून होगा, घर में वो बात कबूल होगी, क्यों नहीं होगी। ये बात तो सही है लेकिन ये नहीं सोचा गया कब वो बात करनी है। और इन छोटी छोटी बातों से बजाय के एक दूसरे की कबूलियत हो जाए, बातों को माना जाए, वो नहीं मानते। अब बच्चों को कह के दे रहो, अच्छी बात कहो, गैरों के सामने कह के देखो जरा, आपको तजर्बा ये कि बच्चे जनाब गुस्से में आग बबूला है, ना मामा ने पापा ने जड़ी गल कही है ना सारे दे सामने, अगर ने पापा ने कही है तो मां कहेंगे गलत सही है, पर दूसरे दे सामने मन बेइज्जत कर देता, क्यों ये ऐसा होता है, नहीं कहते नहीं होंगे। तो विजडम क्या है, किस तरह हम घर को खूबसूरत तरीके से तमीर करें, और फिर काम करने में की भी छोटी छोटी बातें हैं कि कोई काम कब करना है कब नहीं करना है, उसका मौका क्या है, अभी वक्त आया है या नहीं वक्त आया है जो काम हम करना चाहते हैं। हमें हर जिंदगी के शोबे में विजडम की क्या है जरूरत है, और इसका ध्यान रखें और खुदा से मांगें कि खुदा घर को आबाद रखने के लिए, घर को कायम रखने के लिए, घर की तामीर करने के लिए हमें अपनी इलाही हिकमत से क्या कर दे, मामूर कर दे। और हिकमत हर हाल में हमें चाहिए। जब सुलेमान बादशाह, अब नोट कर ले, इज्जत दौलत हशमत तख्त और ताज उसे मिल गया, तो फिर उसने क्या मांगा, आप जवाब दें। निजाम को चलाने के लिए अगर सरफराजी है उसमें भी हिकमत की, अगर दौलत आ गई है उसमें भी हिकमत की, अगर फरावानी आ गई है उसमें भी हिकमत की, अगर तख्त और ताज मिल गया उसमें भी हिकमत की जरूरत। और घर को चलाने
के लिए भी हिकमत की क्या है जरूरत है कि हम हिकमत मांगे। और अगर सरफराजी नहीं भी, अगर हालात कमजोर हैं, तो फिर भी हमें हिकमत की क्या है जरूरत है। लिखा है मोहब्बत वाले घर में थोड़ा सा साग पात, उस पले हुए बचने से क्या है, जिस घर में क्या है झगड़ा है। यानी हिकमत नहीं है, हिकमत से वो चाल नहीं रहे। तो मैं इस तरह लेता हूं कि जब हालात माड़े हों, फिर भी हमें क्या है हिकमत की, कि हम किस तरह हिकमत से मोहब्बत को कायम रखें, किस तरह हम हिकमत से अपने घर को चलाएं, किस तरह से हम हिकमत से निजाम को चलाएं। और खुदा अपने लोगों को मानने पर हिकमत देता है कि किस तरह हम अपने घर को और निजाम को उसकी इलाही हिकमत से चलाएं और फतह होगी और हम घर जो है उसकी अच्छी तामीर कर सकते हैं। इसलिए हम दुआ करें कि खुदावंद हमें क्या दे, हिकमत अता फरमा। ये भी दुआ में हम क्या करें शामिल कर लें, क्योंकि यकूब के खात में लिखा है कि जो अगर हिकमत की कमी है तो क्या करें, अगर कमी है तो अगर ऐसी कहिए साढ़े की कमी नहीं। एक शख्स ने किसी दूसरे को कहा कि यार ये जो हिकमत के काम नहीं जो आप कर रहे हो, तो आगे उसने जो आप दिया हिकमत मेरे जो कोट के पर ही हुआ। तो हम अगर ये कहें हमारे पास बहुत हिकमत है, सबसे ज्यादा हिकमत तो मेरे ही पास है, तो फिर हिकमत मिलेगी। हिकमत किसे मिलेगी, जो कहे मुझे हिकमत में क्या है, मुझे जिंदगी के हर शोबे में क्या चाहिए, हिकमत की जरूरत है। सरफराजी है फिर भी पस्ती है, फिर भी हमें निजाम चलाने के लिए, घर चलाने के, रिश्तों को कायम रखने के लिए हमें इलाही हिकमत की क्या है जरूरत है। और बाइबल में मुकद्दस में लिखा है ये कोई हिकमत पैसों से मिलती है, है? क्या लिखा है, मांगने से मिलती है। हालेलुया। और वो आपको मुफ्त देता है, हिकमत भी मुफ्त अता फरमाता है। और बाइबल मुकद्दस में अमसाल की किताब में लिखा है हिकमत पुकार पुकार कर कहती आओ मेरे पास। और फिर अमसाल की किताब में लिखा है हिकमत को प्यार कर जिस तरह अपनी बहन को प्यार कर, हिकमत को अपनी बहन समझ, क्योंकि तो बहनों से बड़ा प्यार होता है, है? तो बाइबल में ये लफ्ज लिखा है हिकमत को अपनी बहन समझ, प्यार कर हिकमत से मांग। और फिर यह भी लिखा है अमसाल की किताब में कि हिकमत की जो कदर और मंजिलत है, कीमत है, वो मरजान से, सोने से, चांदी से भी ज्यादा है, हैं? सोने और चांदी से हिकमत की कीमत क्या है, अगर सोना चांदी हो, हैं? और साथ क्या होनी चाहिए अगर हिकमत होगी तो फिर सारी चीजें जो वो हिकमत से काम में आएंगी। और अगर हिकमत नहीं तो फिर सोने चांदी से लड़ाई होगी, हैं? अगर हिकमत नहीं तो लड़ाई होगी सोने चांदी से कि नहीं होगी, हाँ जी, फिर तो बीवी लड़ेगी,
कि जिदों दी मैं ब्याई आई है, भिख मैं तो नहीं मंगनी, जिदों दी ब्याई है एक छला नहीं दिता। जो को कहता वो निकाल माड़ा ओदे ते सारी उम्र गुजार। यह होता जो खुदा चाहता है। और ये जो यूनिटी है, ये भी बड़े ध्यान से सुने, जो शादीशुदा है वो भी सुन ले, और जिनके भी शादियां होनी है वो भी सुन ले कि यूनिटी से क्या मुराद है। घर में शौहर और बीवी की यूनिटी बच्चों के हवाले से एक होना चाहिए। उनकी यूनिटी बच्चों की तरबियत में एक होनी चाहिए। आप कहेंगे इसके मानी क्या है, मैं सादा तरीके से समझाता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर बाप नसीहत कर रहा है तो माँ क्या कह रही है, बल्कि बुआ के खिलाफ हो रही है, पुत्र तो इधर आ, है ना, उसमें यूनिटी। अगर मां नसीहत कर रही है तो बाप कहता है, बल्कि मां को डांटेगा, ना कर मेरे बच्चियां, या शौहर कहेगा ना कर मेरे बच्चियां। तो इसमें यूनिटी अगर ना हो तो फिर डिवीजन पैदा होगी कि नहीं, है ना, होती है या नहीं, इसका भी जवाब दे। इसलिए बच्चों में डिवीजन हो रही है। कुछ बच्चे माँ की फेवर में हो जाते हैं और कुछ बच्चे, लेकिन बच्चों की परवरिश में ध्यान से, इसलिए कहा मैंने, सुन लें,
मैंने कहा हम देते हैं कितना कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि आपका घर सबसे अहम है, आपकी बीवी बच्चे और सबसे अहम है, इसलिए इन पर ध्यान देना, गौर करना, बुनियाद रखना और इसकी ट्रीटमेंट करना भी आएगा हम सीखेंगे, वो बड़ा ही अहम है, जरूरी है। हम लोगों की बात ना करते रहे, हम अपने घर पर फोकस इसलिए रखेंगे कि हमें अपना घर सबसे ज्यादा, अपना खानदान सबसे ज्यादा प्यारा है, जिसके लिए हम सब कुछ कर देते हैं। तो इस पर गौर करना और सीखना और ध्यान देना कितना जरूरी है, बच्चों की तरबियत में और बच्चों की परवरिश में हमें एक होना चाहिए। अगर बाप समझा रहा है कोई चीज तो माँ को कहना चाहिए भी ताड़ा प्यो सही कर रहा है। अगर माँ समझा रही है कवे भी ताड़ी माँ उन्होंने पता लग जाए इन्हों की भाई बड़ी यूनिटी है, ये जो कुछ इन्होंने किया है इन्हें बड़ा इतिहाद है, सानू गल सानू मननी पड़ेगी। लेकिन ऐसा काम होता है, क्योंकि काम होता है ना, यस आपने कहा, ये नहीं कि सारे इस तरह करते, लेकिन जनरली ऐसा काम होता है। तो हमें बच्चों के मामला में बतौर शहर और बीवी यूनिटी होनी चाहिए, तरबियत में, परवरिश में, उनकी तामीरी जिंदगी में यूनिटी के साथ, एतहाद के साथ वो परवान चढ़ेंगे और उनमें खूबसूरती आ जाएगी। हालेलुया, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, अगर फूट पड़ जाए तो फिर क्या लिखा है, घर कायम रहेगा, ये बाइबल में लिखा है, वो घर फिर कायम नहीं रहता। फिर और बातों में छोटी छोटी, अगर वक्त ज्यादा हुआ फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, इसी पॉइंट को और सीखें, ये बाइबल के मुताबिक है। फिर और बातों में यूनिटी हो, मेल जोल में, बर्ताव में शहर और बीवी की यूनिटी होनी चाहिए। आप कहेंगे इसके मानी क्या है, इसके मानी ये है कि जब आप किसी से लेना देना करते हैं तो उसमें दोनों की क्या होनी चाहिए, जो बर्ताव करते हैं। कभी कभी दोनों की यूनिटी नहीं होती और यहाँ आके भी क्या हो जाती है, लड़ाई होती है कि नहीं। शोर कहता है भी मैंने फलां, मिसाल देता हूँ सादा तरीके से, फलां चीज जो है फलां को दे देनी है अपने आप। बीबी कहती कभी साढ़िया देखो, एक मैं मिसाल दे समझाने के लिए सादा तरीके से, या बीवी अपने अंदाज ज्यादा करती तो शौहर कहता साढ़े अंदर भी ख्याल रखो। हर काम में जब तक यूनिटी ना होगी, घर में चैन है ना, कुछ हंस रहे ने मैं बह रहे हैं, वो गड़बड़ते हैं, क्या देना है क्या लेना है इसमें भी क्या होनी चाहिए। कभी कभी इस लिहाज से भी यूनिटी होनी चाहिए कि जो कुछ पास है उसके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए देना, ये नहीं एक कवे एना ही देना, दूसरा कवे शोर कहिए मेरे को देना को नहीं, जितो मर्जी लिया 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 कर्जा लिया ऐ मैं दे नहीं देना, या शोर बीवी ने कर लिया तो जा पे क्या ली जा
ले गया। तो अगर नहीं होता हंस रहे हैं, ऐसा होता होगा मेरा ख्याल होता है, बिल्कुल होता है। अपनी हसीयत के मुताबिक इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ, मशवरे के साथ लेना देना करें। ये ना हो फिर घर में लड़ाई फूट झगड़े पैदा हो जाए और घर में फिर खुशी और इत्मीनान और सुकून ना रहे। यानी मैं ये कहता हूं जिंदगी के हर शोबे में शौहर और बीवी का जो खानदान में मरकजी और बुनियादी किरदार है उसमें यूनिटी के साथ चलना चाहिए, मशवरत के साथ चलना चाहिए। यूनिटी का ये भी मतलब है मशवरा भी होना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर इस तरह हम ना करेंगे जिंदगी के किसी शोबे में भी इत्तेहाद के साथ ना चलेंगे, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि बच्चों को अगर आपने मारना है यूनिटी के साथ मारो। मारने से मतलब यह है कि जब छोटे बच्चे हैं, हाँ, एक मार रहे थे दूसरा उन्हें छड़ा रहे हैं, छड़ दे, बच्चे ने उधर दौड़े, बच्चों के सामने पापा दे गुस्सा चढ़ाया, ऐवी करते रहते। बच्चे ने कहना मां सही है और बाप की है, तो फिर क्या होगा, घर में गड़बड़ होगी कि नहीं। तो इसलिए मैंने तो यास्मीन ने, मेरी वाइफ ने, देखो आप सामने बैठी है वैसे भी खुदा का खादिम हूँ, अगर बच्चे थोड़ा बहुत हाथ भी लाया तो यूनिटी नाल, मैं इस तरह भी हाथ लाता यूनिटी नाल ही, मैं कहता तुसी मारो। लेकिन मशवरे नाल, यूनिटी नाल, एंड जरा बड़ो ठीक करो तो कई मावा, लेकिन यूनिटी नाल उन्होंने फिर शामिल होते थे, हाँ फिर नाल कहना हाँ भाई तेरी माँ ने सही चिड़के है, ओके। तो कई मावा होंदिया ने वो जरा नरम दिल होंदिया, कह दिया बाप ने इन्हों जरा पढ़ो इन जरा सीधिया करो, लेकिन शामिल होंदिया ने उन्होंने पता, वो कहते ताडा बाप सही करता, लेकिन यूनिटी दे नाल है। अगर वो जो यूनिटी नहीं निफाक होएगा तो फिर गड़बड़ होएगी कि नहीं, डिवीजन पैदा होगी कि नहीं होगी डिवीजन। तो डिवीजन अच्छी चीज है या यूनिटी अच्छी चीज है? यूनिटी अच्छी है, इसलिए मुत्तहिद रहने के लिए जिंदगी के हर शोबे में मैं कहता हूं आप खुद भी इस पर गौर कर लें कि शोहर और बीवी का खानदान में मरकजी जो रोल है हर मामले में यूनिटी के साथ आगे बढ़े तो वो घराना जो है खुदा के फजल से घर कायम रहेगा। हालेलुया। चैलेंजेस होंगे बच्चों के और दूसरे मसाइल भी होंगे, दुनियावी भी, माली मसाइल भी होंगे, लेने देने के मसाइल भी होंगे, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन अगर शोहर और बीवी में यूनिटी होगी तो वो फतह पाएंगे। हालेलुया। वो गालिब आएंगे, टक्करें लगेंगी लेकिन घर को नुकसान होने ना पाएगा। इसलिए जो शादीशुदा हैं हम आइंदा इसे कंटिन्यू रखेंगे, जो शादीशुदा हैं
वो भी जाने कि हमें घर में बतौर शोहर और बीवी यूनिटी में सारे काम करने हैं, मुत्तफिक हो के सारे काम करने हैं, एतहाद के साथ सारे काम करने हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उनका मुकाबला जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक शोहर और बीवी में यूनिटी नहीं होगी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरे और क्या हमने सीखा है यार, कि घर में इन सारे जितने भी चैलेंजेस आते हैं आते रहेंगे, ये नहीं कि नहीं आएंगे, ये जेन में बिठा लें। हमने एक दूसरे की क्या करनी है, इज्जत करनी है। और क्या हमने सीखा है, तीसरी बात क्या हमने सीखी है, आज हमने तीसरी बात क्या सीखी है, विजडम। मैं दोहराता हूं, आज हमने तीन बातें सीखी हैं। सलाब आएंगे, आंधियां चलेंगी, पहली बात है तवक्को रखें। ये ना कहें कि ये फूलों की सेज ही रहेगी, फूल कुमलाएंगे नहीं, वाह भाई वाह, दावतें खाते रहेंगे, वाह भाई वाह, गिफ्ट्स लेते रहेंगे, वाह भाई वाह, नो 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 नो, चैलेंजेस होंगे हैं। अभी तो की कहते ने पार्टी शुरू हुई। इसलिए घर को कायम रखने के लिए, तामीर रखने करने के लिए, खूबसूरत घर बनाने के लिए, जिसमें खुशी हो, जिसमें मोहब्बत हो, जिस घर में सुकून हो, जो घर जन्नत की तरह हो, जो मुहावरा है मेरा घर मेरी, तो फिर आज पहले तो बुनियादी बातें हमने सीखी और आज हमने क्या सीखा है। और कहते हैं कि हमारा घर जन्नत हो, सब कहते हैं, हाथ उठाए, हमारा मेरा घर मेरी, मेरे पीछे बोले, मुझे अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार है, मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार है, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चे नहीं ज्यादा से हो, बीवी अरे भी थोड़ा थोड़ा से। अच्छा, शौहर बोले, मैं अपनी बीवी का एहतराम करूंगा, नाजुक जरफ जानूंगा, और उनका दिल नहीं तोड़ेंगे, और उनका दिल नहीं तोड़ेंगे। अब कुमारे खामोश रहे, बीवियां बोले, मैं अपने शौहर की इज्जत करूंगी, एहतराम करूंगी, ताबे रहूंगी, डर मानूंगी, बस नली गल आएगी। और अब इकट्ठे बोले, है खुदावन, है खुदावन, हम तुझसे हिकमत मांगते हैं, हिकमत मांगते हैं, ताकि हमारा घर आबाद रहे, जन्नत की तरह हो, और सुकून रहे, और मोहब्बत रहे, और मोहब्बत रहे। और बच्चे दुआ करें, ऐ खुदावन हमें फजल दे हम अपने वालदैन के ताबे रहे, मशवरा माने। आमीन। अच्छी बात करी।
और वालदेन अब दुआ करें, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक हम अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को प्यार करेंगे, प्यार करेंगे, हिकमत से सिखाएंगे, हिकमत से सिखाएंगे, और अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को दिक नहीं करेंगे, दिक नहीं करेंगे, और गुस्सा नहीं चढ़ाएंगे, गुस्सा नहीं चढ़ाएंगे। आप दोनों दुआ करें, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, हम आपस में, हम आपस में इत्तेहाद रखेंगे, इत्तेहाद रखेंगे, हमारी यूनिटी पर, हमारी यूनिटी पर तेरी बरकत हो, तेरी बरकत हो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। और कलाम के लिए आमीन।